राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ त्यौहार स्पेशल मिठाई की रेसिपी, जो आप सब घर में बनाकर बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, बिना किसी झंझट के बना सकते हैं। और ये खाने में एकदम कलाकंद वाला टेस्ट आता है इस मिठाई को खाकर, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुँह में जाते ही घुल जाती है। एक बार आप बनाकर जरूर देखें, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मिठाई। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। हमने एक पैन ले लिया है, और पैन हमने नॉन स्टिक लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक ना हो तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़े मोटे तले की कढ़ाई लें या पैन लें। उसके लिए हमने एक कटोरी दूध ले लिया है, कटोरी के बराबर हमारा चमचा है। अगर आप कटोरी से लेंगे तो कटोरी का ही नाप आप मेजरमेंट में रखें। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, जौन सा आप यूज करते हैं घर में, गाय का, भैंस का, पैकेट वाला, कोई सा भी। और एक कटोरी बराबर हम ले लेंगे शुगर पाउडर। आपको ध्यान रखना है कि शुगर पाउडर ही लेना है आपको, शुगर नहीं लेना है, मतलब चीनी नहीं लेनी है आपको, पाउडर ही लेना है। अब मिठाई को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी डालने से हमारी जो मिठाई में जो सॉफ्टनेस आएगी वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आएगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हमारी मिठाई बनेगी। तो उसके लिए हमें घी ऐड करना है। देसी घी हमने एक बड़ा चम्मच ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर एक कटोरी। आपको ध्यान रखना है आपको मिल्क पाउडर ही लेना है, जो दूध वाला पाउडर होता है। बाकी और पाउडर जो होते हैं वो बिल्कुल भी आप ना लें, वरना आपकी मिठाई चिपकेगी और वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मिल्क का पाउडर ही लें आप। अच्छे से हम इसे ऐड कर देंगे और इसे अब हम मिक्स करेंगे। बिना गैस ऑन करे ही हमें मिक्स करना है, इस बात का ध्यान रखें। अभी आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे मिक्स कर रहे हैं ये पतला होता जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब इसे हम गैस ऑन करके गैस पर चढ़ाएंगे। अब हमने गैस ऑन कर दी है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे थोड़ा गाढ़ा हो जाने तक। आपको घुमाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये थिक होना शुरू हो चुका है। बस ऐसे ही हमें और ज़्यादा थिक करना है। अभी से हम ऐड करेंगे एक कटोरी कोकोनट पाउडर, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हमें लो फ्लेम पे पकाना है। और ये देखिए आप, ये एकदम थिक हो चुका है। गैस को कर देंगे हम ऑफ। अब हमने एक डिब्बा लिया है जिसमें हम बर्फ़ी जमाएंगे, उसमें हमने बटर पेपर लगाया है, ऊपर से हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। अब इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं पैन कितने अच्छे से हमारा ये छोड़ चुका था। इस तरीके से हम सेट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। घर में बड़े छोटे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत ही जल्दी सेट भी हो जाती है। पंखे की हवा में इसे हमने सेट किया है, और ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनके एकदम रेडी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए मिठाई हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलाकंद को टक्कर देने वाली मिठाई आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं गाइस। ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे और ये देखने में और ज़्यादा यूनिक लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार हमारी मिठाई बनके रेडी हो चुकी है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। त्यौहार स्पेशल बनाना, जब तक के लिए बाय बाय।